क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी दोनों एक ही चीजें हैं? क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कंटिन्यूअस हो और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ना हो? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? और आखिर में चेक कैसे करना है कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं है? वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक आसान सा सवाल आपके लिए, एक्स स्क्वायर एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, ट्रू और फॉल्स? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, और मैं आपको वीडियो के एंड में इसका जवाब बताऊंगा सही क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस और सिमिलरिटी बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी? देखिए, जब भी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते होते हैं कि ये हमेशा एक पॉइंट पर डिस्कस की जाती है, एट अ पॉइंट। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इंटरवल्स पर डिस्कस किया जाता है। आगे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है कि अगर आपके पास एक एफ है डिफाइंड ऑन अ इंटरवल, एंड इट विल बी कॉल्ड बी कंटिन्यूअस। कब कंटिन्यूअस कहा जाएगा? कि फॉर एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, अनदर वेरी स्मॉल नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई दो पॉइंट लिया आपने, एनी टू पॉइंट्स आर्बिट्रेरी एक्स वन एंड एक्स टू, अब उनमें क्या है, उन पर आपने फंक्शंस डिफाई किए, उनका डिफरेंस देखा, ये डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है, यानी कि एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो आपने एप्सिलॉन लिया था। अब क्या होना चाहिए कि इनका जो डिफरेंस है पॉइंट्स का, दैट शुड ऑल्सो बी लेस देन डेल्टा, वो भी उसी रेंज में रहना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन पूरे इंटरवल पर इसको सेटिस्फाई करता है तो वी विल से कि भाई ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। अब डेफिनेशन समझना ठीक है कंसेप्ट समझने के लिए, पर क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा हमें अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं। तो कैसे चेक करना है? सबसे बेसिक सा आसान सी बात है, क्वेश्चन में आप देखिए कंटिन्यूटी, बस थिंग इज कंटिन्यूटी। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। रिवर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन तो आपको एक फंक्शन दिखता है जो हमारे पास में कंटिन्यूअस नहीं है। वन अपॉन एक्स की बात करता हूँ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ इसका कुछ ऐसे चला जाएगा मेरे पास में। आप जानते हैं इस पॉइंट पर एक्स इक्वल्स टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो यानी कि पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पर वेरी ऑब्वियस ना कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, क्योंकि नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट इन इंटरवल मीन्स नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल। बहुत ही बेसिक सा आसान सा, बहुत सारे क्वेश्चन और ऑप्शन को इसके हेल्प से कटआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी कुछ अलग अलग तरह के इंटरवल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, सेट ऑफ रियल नंबर्स और ए टू इन्फिनिटी, इन तरह के इंटरवल्स पर हम बिल्कुल ट्रिक देखेंगे कि कैसे उसको चेक किया जाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को। पहले बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल पर। आपके पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल दिया है, फंक्शन दिया है, इससे आसान कुछ नहीं होगा, आप बस ये देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि नॉट कंटिन्यूअस का मतलब है नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये तो हमेशा ट्रू होगा। बट फॉर क्लोज इंटरवल इट सेज कि कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, यानी कि अगर क्लोज इंटरवल है तो फिर तो आपको सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करनी है, एंड दे विल इफ एंड ओनली इम्प्लाई ईच अदर, इजी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक फंक्शन है एक्स साइन वन बाय एक्स। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होता एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, सो दैट्स वाई इस फंक्शन में उन्होंने डिफाइन किया कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो द फंक्शन बिहेव्स लाइक जीरो। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ से दिख रहा है, हम उसको चेक भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है एंड इट इज आस्किंग ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, एंड वी नो फॉर क्लोज्ड इंटरवल कंटिन्यूअस मीन्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो आप देखते ही इसको विजुअलाइज करते ही आप बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। विजुअलाइज कैसे करेंगे? उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो पूरा 20 मिनट का डाल रखा है, आप उसको देखेंगे और बहुत आसानी से आप फंक्शन को देखते ही उनको विजुअलाइज करना सीख जाएंगे। आगे देखिए, सेकेंड तरह का मेरे पास में इंटरवल है ओपन इंटरवल ए कोमा बी। क्या करना है इसमें? तीन स्टेप आपको चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि नॉट कंटिन्यूटी का मतलब नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, है ना, तो कंटिन्यूटी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद क्या है, जो आपके पास इंटरवल है ओपन इंटरवल, इसकी जो फर्स्ट लिमिट है, लोअर लिमिट है, इसकी आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन की उस पॉइंट पर, है ना, राइट साइड पर। वो क्या होनी चाहिए? वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। जो उसका सेकेंड पॉइंट है ग्रेटर, उस पर आप इसकी क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये मैंने यहाँ पर निकाली थी राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट।
ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो भूल जाइए कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन मेरा डिफाइन है 0, 1 से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स तक, ठीक है, ओपन इंटरवल है, और फंक्शन क्या दिया है, e^-1/x। अब e^x का हम लोग ग्राफ जानते हैं कैसा होता है, और ये जो है कंटिन्यूस है ना, एक्स आपका इस रेंज में 0 से 1 पर कंटिन्यूस रहेगा। सेकेंड और थर्ड कंडीशन देखते हैं इसकी। मुझे इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है 0 के पास। तो जब आप लिमिट चेक करेंगे 0+ पर e^-1/x की, आप वैल्यूज पुट करेंगे -1/0, यू गेट -∞। एंड और सिंपल इसको करने की कोशिश करूँ तो मैं, ये मेरे पास में आ जाएगा 0, है ना, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट भी है, तो सेकंड कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन कह रही है कि जो बाद वाला पॉइंट था उस पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी, मैंने सीधी वैल्यूज पुट करी, और मेरे पास में आ जाएगा e^-1, दैट इज 1/e। अगेन फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरे पास में, कंटिन्यूस हो जाएगा दिस ओपन इंटरवल। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेम ओपन इंटरवल है और फंक्शन डिफाइन किया है sin 1/x, कंटिन्यूस होना चाहिए। और बाकी कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, sin 1/x का ग्राफ है तो 0, 1 पर ये कंटिन्यूस है। अभी इसका भी ग्राफ अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो 1 से लेकर -1 के बीच में, पहले तो बहुत तेजी 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 से जाता है, और जैसे दूर दूर जाता जाता है, ठीक है, जितना पास आएंगे उतना वो ऐसे पास पास आता जाएगा। अभी 0 पर जो है, 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन 0 के अलावा बाकी सब नंबर्स पर कंटिन्यूस रहता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि इसकी जो ये लिमिट है, यहाँ पर RHL चेक करेंगे आप। जब आप RHL चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना 0 पर, तो उसकी राइट हैंड लिमिट में ये भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और हम कहते हैं कि द फंक्शन है दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी तरह के हम लोग इंटरवल्स देखते हैं, -∞ to ∞, और आई एम सेइंग इट इज सेइंग कि सारे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। क्या कंडीशन, पहली कंडीशन तो वही ऑब्वियस कि भैया कंटिन्यूटी होनी ही चाहिए, उसके बाद आगे बात करनी है, वरना वहीं से वापस चले जाओ। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, द फंक्शन शुड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ऐसा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो इसका एक और अल्टरनेट है कि 0 से इन्फाइनाइट के बीच में आपका जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी लेस देन इन्फाइनाइट, मीन्स बाउंडेड होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि ठीक है, ओके, काम चल जाएगा। सेम थिंग उसके दूसरे एंड पर भी होना चाहिए, नेगेटिव इन्फाइनाइट की तरफ जाएंगे तो भी एग्जिस्टेंट फाइनाइट करना चाहिए। फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है, और दूसरे केस में डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो डेरिवेटिव क्या है, -∞ to 0 पर डेरिवेटिव लेस देन इन्फाइनाइट, यानी कि बाउंडेड होना चाहिए। अब इनको चेक कैसे करते हैं, देखिए मैं पहले आपको डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप पहली कंडीशन चेक करेंगे, अगर पहली कंडीशन गलत है, कंटिन्यूस नहीं है, तो आप कहेंगे कि नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। पहली कंडीशन सही है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप 2.1 चेक करेंगे। अब 2.1 आपने चेक की और ये सही आई, सही आने का मतलब क्या है, तो आप आगे जाएंगे सीधा 3.1 पर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये गलत आई तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप 2.1 पर जाएंगे, 2.2 पर, कि अगर सेकंड वाले की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो दूसरी ट्राई करेंगे। और अगर 3.1 सेटिस्फाई हो जाती है, आप कहेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे, आप 3.2 पर जाएंगे। अब आपने देखा सेकंड वाली जो कंडीशन था उसका 2.1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर आ गया 2.2 पर। अब अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप मना कर देंगे कि भाई सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। लेकिन सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट सेटिस्फाई होगा तो फिर भी आप उसको मानेंगे कि हाँ ये सही है, एंड देन यू विल मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन में फिर आप ऐसे ही जाएंगे, अगर सही हुआ तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, नहीं हुआ तो देन यू विल मूव टू 3.2। 3.2 में भी सही हुआ तो यू विल से कि हाँ भाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, ठीक है ना, और अगर नहीं हुआ तो आप कहेंगे नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बिकॉज थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, आप इसको इसलिए हमने और लिखा है, और का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसको काउंट कर लेंगे कि वो सही है। कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं।
आर्क टेन का ग्राफ कैसा होता है? अगेन आई एम एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन द ग्राफ्स, इनको विजुअलाइज करना जरूर सीख लें। ग्राफ दिख रहा है, सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास में? दूसरी कंडीशन थी कि फंक्शन जब इनफाइनाइट पर जाए तो मेरे पास में एग्जिस्ट और फाइनाइट होना चाहिए। तो क्या है हमारे पास में, जब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन क्या है मेरे पास में? वो फाइनाइट है ना, एग्जिस्ट करेगा, उसकी कुछ वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, बस कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। क्या करेंगे फिर, हम सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास में उसका जो डेरिवेटिव है वो भी बाउंडेड होगा, तो इसलिए यहाँ पर आर टेन के लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, थर्ड कंडीशन सेव। जब एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट पर जाएगा तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वो एग्जिस्ट भी हो जाएगा, और आपको उसको है ना इनफाइनाइट पर नहीं जा रहा, वो एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसकी तरफ वो अप्रोच कर रहा है। तो इट सीम्स कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्स क्यूब में कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है एक्स क्यूब में? ऐसे जा रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ माई मिस्टेक, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा नहीं होता, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ऐसे। तो अब आप देखेंगे जब एक्स फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस है, वी नो, जब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा तो वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन ही इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एग्जिस्ट फाइनाइट नहीं है। दूसरा से 2.1 नहीं हुई सेटिस्फाई। अब मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई फॉर 2.2। 2.2 क्या कह रही थी कि इसका जो डेरिवेटिव है, द डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, इट विल बी 3x2। क्या ये बाउंडेड है? नहीं, ये भी बाउंडेड नहीं है। जब एक्स इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो ये भी इनफाइनाइट चला जाता है, तो 2.2 भी नहीं हुई। अब सेकंड कंडीशन का कोई भी पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई आई विल से कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले पर चलते हैं, ए कोमा इनफाइनाइट। ये सेकंड और थर्ड का मिक्सचर है एक्चुअली। सेकंड में क्या था, हमने ए कोमा बी पढ़ा था, थर्ड में हमने पढ़ा था माइनस इनफाइनाइट कोमा इनफाइनाइट। तो पहली कंडीशन तो इसमें सेटिस कंटिन्यूटी ही रहती है, ऑब्वियस है। सेकंड कंडीशन वो लेता है यहाँ से, क्या कंडीशन थी कि उसकी आर एच एल जो है फर्स्ट पॉइंट की वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये लेता है यहाँ से जो इनफाइनाइट वाली थी, कि उसमें 3 पॉइंट हमने दो करी थी ना, 3.1 एंड 3.2, ये आपके पास सेम है, या तो फंक्शन एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, इसका डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम मानेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपके पास पहले आप फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन गलत तो नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, फर्स्ट कंडीशन सही है तो आप सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, सेकेंड कंडीशन गलत तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, सेकेंड भी सही है तो आप 3.1 चेक करेंगे, 3.1 सही है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, 3.1 गलत है तो आप क्या करेंगे, फिर आप 3.2 चेक करेंगे, 3.2 अगर होगी तो हम काम चला लेंगे कि ठीक है भैया चलो थर्ड ऑप्शन की कोई सी तो सही है, लेकिन अगर 3.2 भी गलत हो जाती है तो हम कहेंगे कि नहीं, अब कुछ नहीं सुनी जाएगी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं। अब वो क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले पूछा था कि एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं है, इसका जवाब आपको वीडियो में पीछे मिल गया होगा आई होप। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो और बात हो रही है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाले इंटरवल की हम बात करेंगे। पहली कंडीशन है कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है कि फंक्शन जो है वो जब आप उसकी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट करें तो इट शुड बी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, लेकिन एक्स स्क्वायर को जब आप जाते हैं तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, तो एग्जिस्ट फाइनाइट नहीं कर रहा, तो 2.1 तो काम नहीं करा। अब मैं क्या करूंगा, आई विल मूव टू 2.2, क्या पता दूसरा पार्ट काम कर जाए। दूसरा पार्ट कहता है कि आप इसका डेरिवेटिव कीजिए और वो बाउंडेड होना चाहिए। डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2x। क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? ये तो नॉट बाउंडेड है। अब नॉट बाउंडेड है तो 2.2 भी गलत हो गई। अब सेकंड कंडीशन की दोनों पार्ट्स गलत हो गए हैं, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इस तरह से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका जवाब सही था तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, गलत था तो देखिए कहां पर आपकी गड़बड़ थी। आपको जो
पीडीएफ है वो गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे, हमारी पूरी कंप्लीट है रियल एनालिसिस प्लेलिस्ट। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम्स हो डिस्कस करने के लिए। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे वीडियो बनाते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय, टाटा।